अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से आठ जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह तीन अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बहके जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा, वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है।